नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे ओफ्लोडॉक एम सिरप के बारे में इसके फायदे नुकसान इस्तेमाल करने का तरीका और कितने दिन तक बच्चे को देना चाहिए इन सभी बातों की इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर दीजिए सब्सक्राइब साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे ऑल पे टच कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें दोस्तों ओफ्लोडॉक एम सिरप आता है डॉक्टर मोरपेन कंपनी का और इसमें जो सॉल्ट है वो है ओफोलॉक्सासिन ओफ्लॉक्सोसिन मेट्रोनिडेजोल वेंजुएट एंड स्मिथिकोन सस्पेंशन तीस एम की बोतल है और पचहत्तर रुपये एम है लेकिन जेनरिक प्रोडक्ट है आपको कम प्राइस में मिल जाएगा तो चलिए बात कर लेते हैं इसके यूजर्स की किस काम में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों इसका उपयोग पेट में इन्फेक्शन हो जाना डायरिया पेचिस पतले दस्त होना खून वाले दस्त होना या फिर दस्तों में झाग वगैरह पस वगैरह आना पेट में गैस बनना पेट में मरोड़ पड़ना या फिर पेट में सूजन आ जाना या फिर अगर बच्चे के दांत वगैरह निकल रहे हैं तो उसमें भी ऐसी प्रॉब्लम होती है दस्त वगैरह लगते हैं तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर बच्चे को उल्टी दस्त हो रहे हैं तो साथ में उल्टी का सिरप देना चाहिए जैसे कि डेस्ट्रॉन सिरप आता है उसको भी देना चाहिए साथ ही साथ ओ का उपयोग करना ना भूलें दोस्तों तो इसकी जो डोज़ होती है वो पाँच पाँच ऐम सुबह शाम सुबह शाम तीन दिन से लेकर सात दिन तक उपयोग करने को बताते हैं ज़्यादातर तीन दिन से चार दिन में ही ठीक हो जाते हैं और साथ में और भी दवाइयाँ दी जाती हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब भी इस्तेमाल करें डॉक्टर की सलाह के साथ ही उपयोग करें क्योंकि हर बच्चे की कंडीशन अलग अलग हो सकती है तो इसमें डोज में बताना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि कैसे हम डोज़ बताएं फिर भी अगर बच्चा देखिए अगर दो तीन साल का है तो पाँच पाँच एम सुबह शाम दिया सकता है फिर भी बच्चे को चेक कराना बहुत जरूरी होता है उसका वेट वगैरह कितनी इन्फेक्शन है उसके पेट में वो चेक करके डॉक्टर इसकी जो कन्फर्म इसकी जो बहुत डोज होती है वो बता पाते हैं ठीक है थीके? तो तीन दिन से लेकर सात दिन के बीच में इसका उपयोग किया जाता है और डॉक्टर की सलाह के साथ इसका उपयोग करना चाहिए इसको लेने से अगर बच्चे को सिर दर्द होता है उल्टी दस्त और उल्टी मतली बुखार चक्कर मुंह सूखना कब्ज़ बनना या फिर भूख कम लगना या सुस्त रहना ऐसी कोई भी प्रॉब्लम लगती है इसको देने से तो आप इसे तुरंत बंद करके अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा धन्यवाद